साथ जो मैं भी लेके झक्कास वीडियो, तो वीडियो क्या होने लग के भी सो के उठे लगभग बज रहा होगा। देखो देखो आप लोग देखो कितना बज रहा है, 11। तो अभी मैं सो के उठाऊँ तो मुझे जब तक मेरी शुरुआत मुझे बहुत अच्छी लगती है मैक्रोनी, तो मैं भी जा रहा हूँ मैक्रोनी बनाने के लिए, क्योंकि मम्मी अभी गई कपड़े धोने। तो मैं बनाता हूँ मैक्रोनी, मैं आपको रहस्य दिखाता हूँ मैं मैक्रोनी कैसे, सबसे अलग मैक्रोनी बनाता हूँ, मैं आपको रहस्य दिखाता हूँ अपनी मैक्रोनी का। चलते हैं, कहाँ मैक्रोनी बनाने को, कहाँ। पानी चढ़ा दिया अपने इंडक्शन पे और मैंने एक मुट्ठी डाला हूँ मैं अपने मटर, सोच रहा हूँ पूरी मैक्रोनी डालूंगी, पूरी मैक्रोनी 250 ग्राम में पूरी मैं डाल दूंगा। तो मैंने ये मैक्रोनी पूरी डाल दी है, ये पूरी 250 ग्राम की, आप लोग जितना खाएंगे उतना ले लेंगे, ये मेरा है तरीका। ये शायद पत्ती आ गई है धनिया की, देखते हैं कैसी बनती है आगे। मैंने कुछ इस तरह से प्याज ले लिया, कुछ मैंने पत्ता गोभी काट लिया, थोड़ा टमाटर रखा था। मैं शिमला मिर्च नहीं डाल रहा हूँ, मेरे पास शिमला मिर्च है नहीं। अब मैं कौन क्यों मार्केट जाऊँ देने के, इसलिए मैं जो है उसी में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक पैकेट मैंने मैगी मसाला ले लिया है, मैगी मसाला मतलब मैजिक, इसी का पूरा कमाल होता है, ये है मेरी मैजी का राज। तो मैं इसमें थोड़ी सी मैगी डालूंगा, और ये रखी मेरे पास मैगी, इसमें मैं थोड़ी मैगी डालूंगा, फिर देखते हैं मैगी का राज क्या होता है मैक्रोनी का। कहा बोला था कि जब भी आप लोग मैक्रोनी को बॉईल करें तो उसमें हल्का सा नमक डाल दें, ताकि इसमें टेस्ट थोड़ा आने की संभावना रहे, अच्छे से नमक चढ़ रहा है इसमें, किसी को बताना नहीं है, ठीक है ना। आप देखते हैं क्या होता है आगे। गाजर रखी तो मैंने गाजर बिगाड़ दी, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। तो लग रहा है कि ये मैक्रोनी पूरी तरह बॉयल हो चुकी है, और थोड़ी देर पूरी तरह बॉयल हो जाएगी तो उसमें मैं मैगी डाल देता हूँ, क्योंकि मैगी जल्दी बॉयल होती है, मैक्रोनी थोड़ी देर बॉयल होती है, इसलिए मैंने मैगी को थोड़ा लेट डाला है। इसमें थोड़ा सा हम लोग ऑयल डालेंगे ऐसे करके, ताकि हम लोग इसमें डालेंगे कढ़ाई गर्म रहे, और ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, ये बात का ध्यान रखेंगे। तो अब हम लोग ये अपना डाल रहे हैं, इसमें गाजर डाल दी, गाजर डाली, गाजर देर से फ्राई होगी, हमने पहले गाजर डाल दिए, प्याज बाद में डालूंगा मैं, मुझको लग रहा है कि हल्की फ्राई हो गई है, तो मैं इसमें प्याज डाल देता हूँ। जब हल्की से फ्राई हो जाए, हल्की से दाम हो जाएगी, तो हम इसको प्याज डालेंगे, प्याज जल्दी से रहता है, दाल थोड़ी देर फ्राई होती है। अब हम लोग इसमें नमक डालेंगे, नमक डालने डालेंगे, नमक पहले ही डालते हैं थोड़ा सा, इसे हम नमक थोड़ा कम डालेंगे। हम लोग थोड़ी सी हल्दी भी डाल देंगे स्वादानुसार, हम लोग ठीक खाते हैं, इसमें मिर्चा नहीं डालेंगे, मुझको लग रहा है कि प्याज फ्राई होकर हम इसमें ही डालेंगे, पता नहीं चला लेंगे अच्छे से। अब टमाटर डाल देंगे, टमाटर मिला के नीचे डालेंगे, अगर हमने पहले देते तो प्याज जो फ्राई नहीं हो पाता खाने से, ना ही पत्ता को फ्राई हो पाता, क्योंकि खटास होती है, ये रोक देता है फ्राई करने के लिए। अब हम लोग इसमें हल्का मैगी डालेंगे, पूरा मैगी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालना है, मैं थोड़ा थोड़ा डालता हूँ, लेकिन मैंने अभी थोड़ा डाला है। अब हम लोग देख रहे हैं पूरी तरीके से फ्राई हो चुका है ये मेरा प्याज या टमाटर पत्ता को फ्राई होता है, मैगी मैक्रोनी में मैगी दोनों डाल देंगे, डाल दिए मैगी मैक्रोनी तो मिक्स कर लेंगे, इससे पहले हम लोग पूरा मैगी डाल देंगे, इससे क्या होगा कि जब लोग मिक्स करेंगे तो मैगी थोड़ा कायदे से मिक्स हो जाएगा, बार बार मिक्स करने जरूर निकलेंगे। देखते कितना अच्छा कलर आ रहा है, इसी कलर को बरकरार रखने के लिए हम लोग इसमें कुछ नहीं डालेंगे, अब क्योंकि पूरे जगह मैगी तैयार होती है, या तो मैगी तो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आपको देख के। कॉफ़ी और ये मैगी मिल गई, खाने में कैसी लग रही, खा के बताइए आप, खा के बताइए पहले आप। हाँ, तो कैसा लग रहा है आपको, आपको बैठे बैठे मिल गया नाश्ता, बढ़िया। कॉफ़ी कैसी लग रही, बढ़िया। और मैक्रोनी, मैगी मैक्रोनी मिला के बनाते हो? हाँ अलग ही है, मेरा मतलब अलग ही बनाते हैं, हमें सबसे अलग, फुल गलत करते हैं, फुल गलत, हम खा के बताते हैं कैसी बनी है। देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है, तो अलग ही बंदा है, कुछ भी खाओ कैसे भी खाओ, मैगी मैक्रोनी सब मिक्स कर डालो, भुजिया बना लो, खा जाओ, काफ़ी टेस्टी बनी है, आप ये भी खाइए, देखिए टेस्टी लग रही है। पूछू पूछू ये पूछू 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 ये देखो इसको, ये ऐसे लड़ता ही आके, क्या है क्या है, इनका अलग ही चलता फंडा, बहुत चलता है, बहुत बहुत, ये देखो काफ़ी पी लो, ये देखो ऊपर चढ़ बैठ गया, मतलब ये यहीं सोता है माता के बिस्तर पे, यहीं ऊपर सो जाते हैं जिया के अंदर, मतलब पोचू ऐसे देखता कुछ खाता नहीं है, लेकिन देखेंगे ऐसे जैसे कि ये सब खा ही जाएंगे। और हम लोग आए हैं यहाँ पे पिक्चर देखने, बिग बाजार में आए हैं, अब पता नहीं कोई तेरहवीं करके पिक्चर का नाम है, तो हम लोग आए देखने के लिए यहाँ पे, और जिया जी साथ आए, जिया जी हम तो यहीं पे, तो जिया जी फोन आया कि चलना है, हमने कहा चलना है, तो
मैंने कहा कि मैं तो बेगी बाजार में हूँ, तो कहते हैं मैं टिकट भेज रहा हूँ तुम जाके बैठो। देखो जाके तो तमाम लोग आ रहे हैं, तो अभी मैं एंट्री मार रहा हूँ बेगी बाजार के अंदर, लोग देखते हैं पीछे, तो अभी मैं जाता हूँ और देखता हूँ क्या सीन रहता है। और जिनका मार्क्स नहीं, मार्क्स मैंने ले लिए हैं, अब चल के बस देखना है क्या सीन है। ठीक है, चलते हैं। ये है कि मैं बिग बाजार के अंदर आ चुका हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा मनाया गया था। आपको मैं दिखाता हूँ, लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे सेलिब्रेट हुआ था रिपब्लिक डे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा देखने में, आप लोग देख ही सकते हैं कितना प्यारा लगा है। तो अभी मैं चलता हूँ ऊपर, देखता हूँ क्या सीन है ऊपर का। तो अब चल रहे हैं ऊपर हम लोग, देखते हैं क्या सीन होगा। नमो मास्क लगाओ जरा, ऐसे ऐसे देखो कितना प्यारा लल्ला मार रहा हूँ। हम लोग एंट्री मारने वाले हैं, तो ये नंबर रहा गेट एक, नंबर गेट एक रहा है, तो हम लोग अंदर चल रहे हैं और ये हम लोग आ सकते हैं। देख सकते हैं क्या ही प्यारा नज़ारा है अंदर का। ओह माय गॉड, ये बड़ा ही अच्छा लग रहा है देखने, ब्लू ब्लू हो गया है पूरा। और ये बाकी यहाँ पे आ रहे हैं, आओ इसमें चल रहा है, आ जाओ तो हम लोग चलते हैं अंदर, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ब्लू ब्लू नज़ारा हो गया यहाँ पे और बड़ा अजीब लग रहा है। ऐसे नहीं चालू हो गए लोग, ऊपर सबसे ऊपर चलना है, काम करता आबो आबो सिर्फ दो लोग हो रहा है बस, खाली बस आओ ऊपर। तो हम लोग ऊपर चल रहे हैं सबसे ऊपर, हम लोग भी गोल्ड वोल्ड सब फेल कर दिया, मतलब जो भी होता है सबसे ऊपर कुल मिला के। यहीं पे आ जाओ, यहीं कहीं है अपनी, और यहीं आओ खेल लो भैया। भैया कुछ ड्रामा आ रहा है, सुबह ठीक कर लेना, फुल गलत हो जाएगा। अगर आपको दिखाते हैं पिक्चर, हम देखिए यहाँ पे चल रही पिक्चर, फुल गलत होने आ रहा है यहाँ पे, तो रो रहे हैं, ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पे फिल्म मिला गई है, डी एंड हो गया है 26 जनवरी का। हम और नमो यहाँ से चल रहे हैं, इंटरवल हो चुका है क्यों, अब देखते हैं बाहर का माहौल क्या है। ओ ओ भैया देखते हैं मतलब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है दुनिया में, मतलब क्या ही बताया जाए, देखते हैं क्या समय बाहर का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अभी मूवी देख के आया हूं और काफ़ी मुझे अच्छा लगा, बेबू बैठे हैं, सब लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में, तो हम लोग जा रहे हैं अब कहीं खाने का जुगाड़, देखते हैं खाने में क्या है क्या नहीं है, मतलब कहाँ खाया जाए, अभी सजेशन चल रहा सबका है, अभी देखते हैं कहाँ चलना है कहाँ नहीं चलना है। काफ़ी डिस्कशन के बाद डिसाइड हुआ कि मैं लक्की रेस्टोरेंट आया हूँ, काफ़ी डिस्कशन हुआ कि कहाँ चला जाए कहाँ चला जाए, तो एकदम क्या हुआ कि जब डिसाइड हो गया हम लोग लक्की रेस्टोरेंट आए हैं, देखते हैं क्या कैसा है सिस्टम है, और फिर चलते हैं आपको दिखाते हैं पूरा। क्या यार मैंने कैसा कहा था कि 26 जनवरी को कुछ होता ही है, आज 26 जनवरी है, मैंने आपको बताना भूल गया, आज 26 जनवरी है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम इतना घूम रहे हैं सुबह से आज, तो सब आ रहे हैं, नमो आ रहे हैं, नमो सब लोग आओ 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 आओ। यहाँ पे जा रहे हैं, पार्टी कुछ नहीं होता है, हम जाएंगे तो गाली हो जाएगा। वहाँ पे वो सही है, हाँ वो आते हैं यहाँ पे, आते हैं आते हैं आते हैं, यहाँ पे काफ़ी अंधेरा, बत्ती चली गई, भी बत्ती आने थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं गई थी मेरा कैमरा थोड़ा दिक्कत कर गया था, बत्ती तो नहीं गई थी कैमरा निकल कर गया, तो मैं भी आ चुका हूँ, अब देखते हैं खाने में क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, अब होगा फुल गलत। काफ़ी क्या हुआ है कि ये आ गया कढ़ाई, ये आ गया शाही पनीर और ये आ गया कढ़ाई पनीर और ये आ गया सैलर, अब देखते हैं ये आ गई अपनी बटर कुकी। खाते हैं वरना हम भी रह जाएंगे, सब लोग खा जाएंगे। का है ये मैंने निकाल लिया है और एक मैं नॉन लेता हूँ, सब फिर हमारे बेटा ठीक, भैया रोटी नहीं आई यहाँ पे, रोटी कैंसिल करा दो, पता है रोटी कैंसिल करा दो, रोटी नहीं बोला
रोटी कैंसिल जाएगी अभी, हाँ बाल मंगा लेना। वो कैसा लग रहा है खाते हुए, खा के देखा है बेबू आपको? मिनी दीदी जी आज खाई में जुटे हैं अभी पूरी तरीके से, और नम खा रहे हैं अपने अच्छे तरीके से, हम भी खा लेते हैं ना हम छूट जाएंगे। टेस्टी है, कह सकते हैं कि टेस्टी है। खाना कैसा है? अच्छा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, कढ़ाई पनीर अच्छा है, आप लोग यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। खाना खा लिया सबने, सबको काफ़ी अच्छा लगा खाना, और हम लोगों ने अब डाइजेस्ट करने के लिए थम्सअप मंगाई है, थम्सअप पीते हैं और देखते हैं क्या होता है आगे। क्या हुआ कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आए, ये एक्सपायरी निकल गई है तो सॉरी, निकल हम लोग काफ़ी इनको अड़काया अड़काया धीरे धीरे चलती है ना, हार्ड होती है। क्या हुआ धीरे, क्या हुआ कह रहे आप, कोल्ड ड्रिंक क्या हो गया? कुछ नहीं कह रहे। ये आप लोग देखिए, आप लोग देखिए क्या ये मतलब एक्सपायरी है, आप लोग लग रहा है पानी है, कोल्ड ड्रिंक देना एक्सपायरी पिला दी लोग दोबारा, मतलब हमने कहा था विजिट करना है, करना ही नहीं, बेकार है। अबे ये कौन पिया है? पानी है वे, वो क्या हो गया पता तो भाई, वे वो फर्जी में बोलो बोलो क्या बोल रहा है, हां कैसे बोलो थोड़ा, एक्सपायरी हो गई काफी दिक्कत हो गई, एक्सपायरी हो गई, देखते हैं क्या हो रहा है। नई कोल्ड ड्रिंक लिखा है बेबू, हमसे पढ़ा हुआ रहता है वीडियो बनाते बनाते, क्या बेबू पढ़ा हुआ रहते हो, फेमस हो जाओगे बेबू? क्यों बच्चे भी रिमोट खा रहता है, नमक लेटी नहीं हो रही तो दूसरी बता दे रहे ना, एक अच्छी है। तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, केयर कर दो केयर, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए और शेयर कीजिए, अगर आप लोगों को ऐसी मेरी चैनल पर वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।